हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 4 डायरेक्ट टैक्स का, जो कि है असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूट्स। इसकी हम थ्योरेटिकल देख लेते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम फिर सॉल्व करेंगे। थ्योरेटिकल क्या है कि ट्रस्ट है, कहीं भी डिफाइंड नहीं है किसी एक्ट में, लेकिन इन सारी चीज़ों से मिलकर बनता है ट्रस्ट। एक होता है ऑथर ऑफ ट्रस्ट, एक होता है ट्रस्ट प्रॉपर्टी, एक ट्रस्ट डीड, एक ट्रस्टी और एक बेनिफिशियरी। अब ऑथर ऑफ ट्रस्ट कौन होता है? ए पर्सन हु ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन फॉर बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। ये बोल रहा है कि एक पर्सन होता है जो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है अनदर पर्सन को, और इसमें थर्ड पर्सन का फ़ायदा होता है, वही होता है ऑथर ऑफ ट्रस्ट। और ट्रस्ट डीड क्या होती है? ट्रस्ट डीड हम बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट, और क्या होता है? इंस्ट्रक्शन बाय विच द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट डिक्लेयर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ये है कि जिसमें ऑथर ऑफ ट्रस्ट अपना ऑब्जेक्टिव बताता है या फिर इंस्ट्रक्शंस देता है कि मेरे प्रॉपर्टी का कैसे यूज़ करना है, वो होती है ट्रस्ट डीड। फिर है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी होते हैं ये लोग। अब जैसे कि ऑथर ऑफ ट्रस्ट ने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया ट्रस्टीज़ को, अब ट्रस्टीज़ ने क्या किया? स्कूल ओपन कर लिया। अब स्कूल चला रहे हैं तो इनसे फ़ायदा स्टूडेंट्स को होगा। जिनके पेरेंट्स की इनकम कम है उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि जिनकी ट्रस्ट से होती है उनकी फ़ीस वगैरह कम होती है, तो बच्चों को फ़ायदा होगा इससे, तो वो बेनिफिशियरी हो गई। फिर है ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ट्रस्ट प्रॉपर्टी जैसे उसने स्कूल ओपन किया तो वह उसकी प्रॉपर्टी हो गई। और ओनर ऑफ एसेट्स कौन होता है? वो होता है ऑथर ऑफ ट्रस्ट। लेकिन लीगल ओनर ऑफ ट्रस्ट कौन होता है? वो होता है ट्रस्टी। अब हम देख लेते हैं ट्रस्टी कौन होता है। ये ट्रस्टी कौन होता है? ये कौन होता है जो एक्सेप्ट करता है इस ओनरशिप को। ट्रस्टी कौन होता है जो इस ओनरशिप को एक्सेप्ट करते हैं ये लोग, यही ट्रस्टी होते हैं। इनको लीगल ओनर भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन। धीरे धीरे करोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार में ये नहीं समझ में आएगा। थोड़ा टफ सा है, टफ भी नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। देखते हैं। ऋषिका चैरिटेबल ट्रस्ट ड्राइव द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्प फॉर चैरिटेबल पर्पस। इनको ऋषिका चैरिटेबल ट्रस्ट को इनकम हुई प्रॉपर्टी से, जो कि है 5,40,000 की। उसमें से 3,15,000 कैश में रिसीव हुई, जो बैलेंस हैं वो अगली साल आएंगी 2021 में। फिर बोला है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है 9,65,000 का, उसमें से 6,60,000 पार्ट है एक कॉर्प्स ऑफ द ट्रस्ट। कॉर्प्स क्या होता है? कैपिटल होती है। तो इसको हम जैसे वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी टोटल इनकम, मतलब ये ट्रस्ट की इनकम है, लेकिन जो ये कैपिटल होती है वो इनकम नहीं मानती, तो इसलिए इसको इनमें से लेस करके दिखाएंगे हम इनकम के अंदर। फिर बोल रहा है 1920 में ऋषिका चैरिटेबल ट्रस्ट ने स्पेंड कर दिए 85,000 चैरिटेबल पर्पज़ के लिए। अब उसे हमें टैक्सेबल इनकम निकालनी है। उन एजिप्शन दैट द ट्रस्ट हैज़ ऑप्टेन एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर अप्लाइंग द अनरियलाइज्ड इनकम ऑफ 2,25,000 इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट 2021, वेयर हैज़ इट एक्चुअली स्पेंड 48,000 इन द 2021 एंड 1,52,000 इन द ईयर 2021-22। ये बोल रहा है कि जो ये 2,25,000 ये जो हमें रिसीव्ड होने हैं ट्रस्ट को, मतलब उनको ये कैसे खर्च करेगा, तो वो शो कर देता है, शो बता रहा है वो कि ये 48,000 तो 2021 में स्पेंड कर देगा और 1,52,000 2021-22 में स्पेंड कर देगा। तो अब 2,25,000 थी इसकी, 2,25,000 थी, उसमें से इसने 48,000 तो 2021 में स्पेंड कर दिए और 1,52,000 इसने 2021-22 में कर दिया, तो 25,000 बच गए। वो हो जाएगी हमारी इनकम 2022 और 2023 की, इस ईयर की ये इनकम हो जाएगी 25,000। हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें पहले हमें टोटल इनकम निकालनी पड़ती है इसकी। टोटल इनकम कैसे निकाल रखी है वो देखते हैं। इसने पहले जो प्रॉपर्टी से इनकम हुई वो लिख ली 5,40,000। फिर जो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन था उसमें से कॉर्पस पार्ट लेस कर दिया, तो ये हो गई वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड हुआ, तो उसके पास टोटल इनकम इतनी आ गई। अब इनमें क्या करना पड़ता है ट्रस्ट में कि 15% स्टैंडर्ड डिडक्शंस देनी पड़ती है, जो कि टोटल इनकम में से लेस करनी होती है। तो ये टोटल इनकम आ गई, उसमें से इसने 15% स्टैंडर्ड डिडक्शंस दे दी, तो ये हमारे पास बैलेंस ये इतना बच गया, आ गया। अब इनमें से बैलेंस में से क्या करना होता है कि जो खर्चे इस साल किए हैं ट्रस्ट ने वो लेस कर देंगे, और जो इस साल रिसीव नहीं हुए वो भी लेस कर देंगे। तो इनमें हमें देखा था कि 2,25,000 इस साल रिसीव नहीं हुए तो वो लेस कर देंगे, और 1,85,000 जिसने स्पेंड किए हैं तो वो लेस कर देंगे।
तो 85,000 तो इसने स्पेंड कर दिए, वो लेस कर दिया तो ये इतना आ गया। फिर उसमें से इसने इस साल रिसीव नहीं होंगे 2,25,000, तो वो लेस कर दिए, तो ये हमारे पास टैक्सेबल इनकम इतनी आ गई ट्रस्ट की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।